रस्ती है निगाह मेरी तक। ओके सो गाइस, कैसे वैड सब लोग, आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरीके अपने खुद के फोटो के स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली, कमाल की लगने वाली यार। तो यार वीडियो बनाने से पहले आपको वीडियो ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी घंटी का निशान है उससे आपको प्रेस करना है। और गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइस क्या करो यार, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर अपने भाई को। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकती हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है काइन मास्टर। आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके, डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, एक ऑप्शन शो करेगा, प्लस का आइकन क्लिक करना है, कुछ साइज शो करेगा आपको 1.1 जो रेशियो ठीक है, इस साइज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे मीडिया, क्लिक करना है और आपने जिस फोटो का स्टेटस बनाना है उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना। ओके सो एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इसका साइज बड़ा करना है, फुल साइज करना है, तो फुल साइज कर लेते हैं। जो फोटो वाले लेयर है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद साइड में एक ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करना है ठीक है। फिर आपको फोटो में जूम करना है। जूम करने के बाद गाइज देख लीजिए फुल साइज हो चुका है और साइड में एक ऑप्शन थोड़ा डबल लाइन क्लिक करना है और टिक के आइकन पे क्लिक करना है, फुल साइज हो चुका। ओके अब करना क्या है, इसमें एक PNG ऐड करने है जो आपने डाउनलोड करके उसे ऐड करना है। सो ऐड कर लेते हैं, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, उस PNG को सिलेक्ट कर लेना है। PNG आ चुकी है और जो PNG है इसका साइज कर लेना फुल। ओके और साइड में एक ऑप्शन हो गया कैप्चर ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में एक ऑप्शन आ चुका है कैप्चर एंड सेव ठीक है, क्लिक करना है। कैप्चर हो चुका है, फोटो सेव हो चुकी है हमारे मोबाइल में। फिर आपको बैक करना है, फिर से काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और प्लस वाला आइकन भी क्लिक करना है। आपको 9.16 वाला रेशियो इस साइज को आपको सिलेक्ट कर लेना। ओके इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है और फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है बैकग्राउंड, क्लिक करना है और कुछ कलर शो कर रहा है, आपको एक कलर सिलेक्ट कर लेना। ओके सो मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ और टिक पे क्लिक करा, ब्लैक कलर आ चुका है। जो ब्लैक कलर है इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है ठीक है, आपने जितनी लंबी वीडियो बनानी। ओके सो गाइज मैंने यहाँ पे 16 सेकंड कर लिया ठीक है, आप लंबी और कर सकते हो। ओके सो अब करना क्या है, इसमें एक फ़ोटो ऐड करनी है। सो फोटो ऐड कर लेते हैं, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोल्डर ओपन हो जाएंगे और एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है। गाइज देख लीजिए फोटो आ चुकी है, जो फोटो है इसकी लेंथ को लंबी करनी। ओके सो इसकी लेंथ को लंबी कर लेते हैं। लंबी करने के बाद साइड में कुछ ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन हो रहा है साइड में कलर फिल्टर, क्लिक करना है और यहाँ से गाइज आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लेना। ओके सो यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर दो और एडिट पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है फोटो, जो फोटो वाले लेयर है क्लिक करना है, इस फोटो का साइज आपको बड़ा कर लेना। इस तरीके से बड़ा करने के बाद आपको इसके बाद जो फोटो है ठीक है आपको इस तरीके से मूव कर लेना है ठीक है। सो मैं मूव कर लेता हूँ ठीक है। मूव करने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे चाबी का आइकन, आपको क्लिक करने के बाद जो फोटो की लेयर ठीक है आपको हल्की सी खिसका लेनी है, मूव कर लेनी ठीक है, और फिर आपको इस फोटो को मूव कर लेना इस तरीके से। सो मैं मूव कर लेता हूँ गाइस, देख लीजिए फोटो यहाँ पे मूव हो रही है ठीक है। उसके बाद आपको फिर फोटो वाले लेयर को इस तरीके से मूव कर लेना, खिसका लेना और फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको इस तरीके से मूव कर लेना ठीक है। आपने इस तरीके से आगे पीछे कर लेना ठीक है। सो फिर मैं लेयर को खिसका लेता हूँ, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर फोटो को मूव कर लेना ठीक है इस तरीके से, और फिर लेयर खिसका लेनी है और फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फोटो को मूव कर लेना ठीक है। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पे आपने इस तरीके से कर लेना ठीक है। टिक पे क्लिक करना है, आपको वीडियो प्ले करके दिखा दें। गाइस देख लीजिए यहाँ पर फोटो मूव हो रही ठीक है, आपने इस तरीके से फोटो मूव कर लेनी है। ओके अभी करने क्या, इसमें फ़ोटो ऐड करने, जो हमने भी कैप्चर लिया था उस कैप्चर को ऐड करना है, तो कैप्चर ऐड कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, उस कैप्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस कैप्चर आ चुका है, जो कैप्चर है इसकी लेंथ को लंबी करनी है, कैप्चर की लेंथ लंबी हो चुकी है, तो कैप्चर वाली लेयर ही क्लिक करना है और इस कैप्चर का साइज़ आपको छोटा कर लेना है ठीक है। सो आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से सेट कर लेना है। सो मैं इतना छोटा कर लेता हूँ और आपको बीच में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो कैप्चर वाली लेयर है ठीक है उस पर क्लिक करना है। साइड में एक ऑप्शन आ चुका है 3 डॉट, क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है ठीक है। डुप्लीकेट हो चुका है, फिर से आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, कैप्चर पे क्लिक करना है
और थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे गाइज तीन लेयर हो चुकी है, अब चार लेयर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो कैप्चर वाली लेयर है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद साइड में एक ऑप्शन से हो रहा है चाबी का आइकन, की आइकन, क्लिक करना है और आपको लेयर को मूव कर लेना इस तरीके से। मूव करने के बाद जो फोटो है, ठीक है, आपको इस तरीके से नीचे खिसका लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर खिसका ली इस तरीके से, फिर आपको लेयर खिसका लेनी है और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको इस फोटो को ऊपर खिसका लेनी है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और फिर लेयर खिसका लेनी इस तरीके से, मूव करनी है, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, इस फोटो को नीचे इस तरीके से मूव कर लेना, ठीक है। आपने इस तरीके से ऊपर नीचे खिसका लेना है, यहाँ पर हो चुका है। फिर लेयर मैंने लास्ट खिसका ली और इस फोटो को बीच में यहाँ पर सेट कर लेना इस तरीके से, सेट हो चुका है, ओके। जो गाइस सेकंड कैप्चर वाली लेयर है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। सो मैं क्लिक करता हूँ, फिर आपको चाबी वाले आइकन पे क्लिक करना है, की आइकन पे क्लिक करना है, लेयर को मूव करना है, ठीक है। मूव करने के बाद जो फोटो वाली लेयर है, ठीक है, कैप्चर वाली लेयर, उसे ऊपर इस तरीके से मूव कर लेना है, ठीक है। फिर आपको लेयर खिसका लेनी है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फोटो को नीचे इस तरीके से मूव कर लेना है, ठीक है। मैंने मूव कर लिया, फिर आपको लेयर खिसका लेना है, ठीक है, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इस फोटो को ऊपर इस तरीके से मूव कर लेना है, फिर लेयर खिसका लेना, ठीक है, और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, इस फोटो को नीचे इस तरीके से मूव कर लेना है, ठीक है। इस देख लीजिए आपने इस तरीके से एडिट कर लेना है, ठीक है। सो मूव कर ले मैंने, ठीक है, और इस फोटो को यहाँ पर मैं सेट कर लेता बीच में, ओके। इस देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी है। और अब करने का इस वीडियो में सॉन्ग ऐड करना है, लिरिक्स ऐड करना है, सो ऐड कर लेते हैं। लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपने जो साउंड वीडियो डाउनलोड कर रखी है उसे सिलेक्ट कर लेना, ओके। सो मैं वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज़ आपको हल्का सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है, ब्लेंडिंग क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन, और टिक पे क्लिक करना है, जो गाइज साउंड वाली वीडियो के लिए क्लिक करना है और इसका साइज़ आपको छोटा कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे सेट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ और टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए वीडियो में लिरिक्स ऐड हो चुका है और वीडियो में साउंड भी ऐड हो चुका है और वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुका है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी है और आप वीडियो में अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो, ओके। सो इस वीडियो को कर लेते अपने मोबाइल में सेव। वीडियो सेव करने के लिए एक ऑप्शन से वगैरह शेयर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्वालिटी सिलेक्ट करनी और एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।